अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स वन। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 का आज हम जो सवाल नंबर 2 है उसके स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उस क्वेश्चन को प्रॉपर हल करेंगे। स्टेटमेंट है, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। हमने इसको हल करना है, फिर हमने चेक भी करना है कि जो हमने कीमत निकाली हुई है आया कि वो वैल्यू ठीक भी है कि नहीं। अब लिखा हुआ है एक्सट्रेनियस रूट। रूट या सॉल्यूशन कहते हैं जो हम वैल्यू निकालते हैं, और जो वैल्यू एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगी पुट करने के बाद तो हम सॉल्यूशन में से ही निकाल देंगे। जो वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखी जाएंगी उन्हें बच्चों कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। और इस काम के लिए हम सवाल के जो कंडीशन है उसको समझेंगे। अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है सबसे पहला काम हम उसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। अगर उसके ऊपर क्यूब रूट है या कोई भी पावर है तो पहले वो पावर खत्म करने के बाद सिंपलीफाई हो जाएगा, उसके बाद हम जो वैल्यू सवाल में दी हुई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि पहले पार्ट में उसने ऊपर स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, और जब तक ये स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा तब तक हम एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब ऊपर स्क्वायर रूट है, और अगर स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ जाए तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पर जो करेंगे मेंशन, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्केयर करेंगे। स्केयर रूट 3x+4 ऊपर स्केयर रूट और फिर स्केयर इक्वल में बच्चों 2 का स्केयर। तो ये जो स्केयर है ये कट जाएगा स्केयर रूट से, तो हमें बचेगा 3x+4। 2 का भी स्केयर है, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसका स्केयर ही नहीं करते, अगर ऊपर लगाओ फिर भी 2 लगा देते हैं, लेकिन 2 का भी स्केयर तो ये बन जाएगा बच्चों 4। तो 3x बराबर है बच्चों 4-4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट उड़ गया, उड़ने के बाद हमने x को अलग करना होता है, बाकी नंबर अलग करने होते हैं। 3x के साथ जो 4 था वो प्लस हो था, तो राइट पे आके बच्चों ये हो गया माइनस, तो 4 में से 4 गया तो बच्चों बच जाएगा 0। इधर से आ जाएगा 3x। अब जो 3 है बच्चों वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड पे, और जब ये बच्चों राइट पे आएगा तो 0 से डिवाइड होगा, तो एक्स बराबर है 0/3। अगर हम 0 को बच्चों 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 0। अब हमें वैल्यू मिल गई है, अब हमने चेक करना है कि जो बच्चों हमने कीमत निकाली है क्या वो ठीक भी है कि नहीं। इसको असल क्वेश्चन पुट करते हैं चेकिंग। तो 3×0+4 ऊपर स्केयर रूट है बराबर है बच्चों 2 के, 3×0=0, 0+4 स्केयर रूट ऊपर वैसे ही इक्वल टू, तो 4+0 4 आएगा, और 4 का बच्चों ऊपर स्केयर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2, इक्वल में है 2, ये बच्चों ट्रू है। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट लें तो लगाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, अब वो कब लगाना है जब लेफ्ट हैंड पे कोई वेरिएबल आ रहा हो, लेकिन अगर लेफ्ट पे या राइट पे, अब इधर राइट पे कॉन्स्टेंट है कोई नंबर है इसलिए मैंने साथ प्लस माइनस नहीं लगाया, इसका डायरेक्ट जो नंबर था वो लगा दिया। ये ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ जब हमारा सॉल्यूशन सेट बच्चों बनेगा ना वो 0, मतलब जो हमने कीमत निकाली है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके का है, आगे इसको भी समझते हैं इस पार्ट में इसने हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास क्यूब रूट 2x-4-2=0। तो अगर किसी को पावर आ जाए तो पहले पावर वाली अमाउंट को अलग करना है, बाकी नंबर्स को अलग करना है, तो 2 के ऊपर ये क्यूब रूट नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे जो 2 है वो हो रहा है बच्चों माइनस, जब इसको बच्चों हम राइट लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर बच्चों बनेगा 2x-4, इधर से बच्चों ये आ गया 2, ऊपर क्यूब रूट था। अब मेरे पास क्यूब रूट है और मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए, तो उसका मतलब क्यूब करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट है तो मुझे क्यूब से काम चलाना पड़ेगा, तो ये क्यूब दोनों तरफ बच्चों ले रहे हैं, इसका तो कट जाएगा, इसका बचेगा 2x-4। 2 का बच्चों क्यूब 2 को 2 × 2 = 2, 3×2 = 6 नहीं करना बल्कि 2 को 3 दफा जरब करना है, 2×2 = 4, 4×2 = 8, इसका बच्चों आ जाएगा 8। अब लेफ्ट हैंड पे जो 4 है वो माइनस हो रहा है, जब बच्चों इसको हमने राइट पे किया तो 8+4 ये बच्चों बन जाएगा 12, उधर से 2x, 12 को काटे 2 से तो ये बच्चों x कितना बच्चों बन जाएगा मेरे पास 6 बन जाएगा। अब हमने इसको चेक करना है कि आया कि जो हमने कीमत निकाली है
क्या वो कीमत ठीक भी है कि नहीं? 2 × 12 − 4 ऊपर क्यूब रूट है बच्चों, 7 है − 2 बराबर है 0 के। तो 6 था बल्कि 12 नहीं था, 6 × 2 = 12 − 4 ऊपर है बच्चों क्यूब रूट −2 बराबर 0, 12 में से 4 गया तो बच्चों आ जाता है 8। या बच्चों हम 8 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे, 2 − 4 = 2 − 2 = 1। तो 8 का अभी हल कर लेते हैं, 8 का आएगा 2 क्यूब रूट और बाहर है बच्चों क्यूब रूट −2 = 0। तो क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कट जाता है, तो 2 − 2 = 0, तो 0 = 0। तो ये भी वैल्यू ट्रू है, मतलब जो हमने कीमत निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकली है। आगे इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं कि थर्ड पार्ट में उसने हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है और उस पार्ट को हमने किस तरीके से हल करना है। तो थर्ड पार्ट है जी √(x − 3 − 7 = 0)। तो इसमें सबसे पहला हमने जिसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है उसको हमने अलग कर देना है। आगे इसका जो स्केयर रूट है वो हमने खत्म करना है, तो दोनों तरफ हम स्केयर करने के लिख नहीं रहा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड या तरफ फैन का मुरब्बा लेने से इक्वल है जी 7 का स्केयर। ये कट गया x − 3 = 49, तो 3 राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा 52। अब हमने चेक भी करना है कि जो कीमत निकली है क्या वो ठीक भी है कि नहीं, उसके लिए इसको चेकिंग के लिए असल क्वेश्चन में पुट करना है। 52 − 3 ऊपर स्केयर रूट −7 = 0, इन्हें करेंगे माइनस तो आ जाएगा 49, ऊपर स्केयर रूट −7 = 0, तो जो 49 है बच्चों वो 7 का स्केयर होता है। तो 7 − 7 = 0, तो 0 = 0, तो ये ट्रू है, तो मतलब जो हमने कीमत निकाली है वो बिल्कुल सही मिली है। आगे इसका हम थर्ड फोर्थ वाला पार्ट समझते हैं, आया कि उसने फोर्थ पार्ट में हमें किस तरह की जो वैल्यू है वो दी हुई है। तो फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास, तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 2 √(t + 4) = 5 के। और जिसके ऊपर स्केयर रूट है पहले हम उसको अलग करेंगे, 2 7 हो रहा है मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड पे, जब ये बच्चों लेफ्ट से राइट पे का तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बच्चों बनेगा t + 4 = 5/2। अब इसके ऊपर स्केयर रूट है हमें खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयर करेंगे, दोनों तरफ स्केयर लिखा जी, तो t + 4 ये कट गया, 5 का स्केयर 25 होता है बच्चों, 2 का बच्चों होता है 4, तो लेफ्ट हैंड पे जो 4 है वो +4 है। तो जब इसको बच्चों हमने राइट पे लेके आना है तो राइट पे आके बच्चों ये हो जाएगा माइनस, इसका बच्चों एलसीएम करेंगे तो 4 × 1 = 4, 25 = 4, 4 = 16, इन्हों करेंगे आपस में माइनस करेंगे तो बच्चों 25 − 16 इसका बच्चों आ जाएगा 9/4 बराबर है जी टी के। ये पुट करते असल क्वेश्चन में, तो 2 × 9/4 + 4 = 5 के। आगे इसको हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम में 4 आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 9 × 1 = 9, 4 × 4 = 16, ऊपर स्केयर रूट इधर 5 है जी, तो 2 9 + 16 = 25 बच्चों बन जाएगा 25/2। नीचे 4 था, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 2 से कट गया, यहाँ पे 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 5 के बराबर होता है। तो दोनों आंसर कैसे हुए? बराबर हुए।